Good evening, everyone. It's lovely evening, and I'm really amazed with the responses that people are writing. Actually, Ranu, I was looking for the last jo question tha na, jisme strategies ke baare mein tha, to main wo dekh raha tha, responses pad raha tha. And it really is amazing how people are analyzing the problem and they're giving solutions which are really very useful. And but then Sumadrita jaise boli ki strategies to bahut sare hai, पर उनको अमल में लाना यहीं पे सारा काम है, यहीं पे सारा खेला शुरू होता है. तो थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बोल लूँ. मैं एक रीजनल कैंसर सेंटर में काम करता हूँ और मेरा दिन का काम है कि मैं लोगों के मुंह जबड़े के कैंसर काट के फेंक के निकाल रहा हूँ. ये मेरा काम है. और ये बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ओरल कैंसर हमारे देश में होते हैं. और ये भी कि ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का इस्तेमाल. तो आज मेरा टॉपिक जो है वो है हाउ टू क्विट टबैको. भाई टबैको तो है, छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़े. तो मैं ये देखा हूँ कि पेशेंट लोग जब मेरे पास में आते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि आप टबैको लेते हैं, तो उनका आंसर होता है कि सर छोड़ दिए. कब छोड़े? जब कैंसर का बीमारी के बारे में जाने पहचाने, भाई कुछ हुआ है, उस टाइम पे छोड़ दिए. इसका मतलब है कि कोई धक्का लगता है टबैको छोड़ने के लिए. साइकोलॉजिकली हम लोग इतना डिपेंडेंट होते हैं इस टबैको के ऊपर कि कुछ एक हादसा होना होता है तब जाके हम टबैको छोड़ते हैं. तो ये गलत तरीका है, सही है, बट ये भी आपको मानना पड़ेगा कि करीबन 30% पेशेंट लोग ये बीमारी ठीक होने के बाद में, जैसे कि रेडिएशन हो, सर्जरी हो, जो भी है, सब होने के बाद में 30% पेशेंट लोग दोबारा से वापस टबैको शुरू करते हैं. तो कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे डोपामिन का एक्शन काम नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं है कि टोबैको ले रहे हैं, ब्रेन में डोपामिन चल रहा है, डोपामिन की तलब हो रही है, तब मैं जाके टोबैको वापस ले रहा हूँ. उस टाइम पे ये लोग दोबारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बस लेने का इरादा है, आसानी से मिल जाता है. दिस इज वॉट द एंटायर स्ट्रैटेजी फॉर क्विटिंग टोबैको जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ. सबसे पहली चीज ये है कि लेट अस कंसिडर एज टोबैको एज अ डिजीज एंड टोबैको पेशेंट्स टोबैको यूजर्स एज पेशेंट्स. तो अगर हम ये मान लेते हैं तो हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर सोचें तो द थिंग इज दैट अगर हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, दे शुड सी टोबैको यूजेज एज अ डिजीज. तो गांव गांव में जैसे आंगनवाड़ी वर्कर लोग घर घर में जाकर के पूछते हैं कि बच्चे को बीमारी है, पल्स पोलियो वगैरह का जो प्रोग्राम जो चलाते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर जाकर के घर घर में जाकर के ये अवेयरनेस जताया जाए कि आप टोबैको लेते हैं आपको बीमारी हो सकता है, टोबैको छोड़ने के लिए आपको क्या साजो सामान चाहिए, हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं. दीज आर द थिंग्स विच यू नो कैन रियली हेल्प विद टोबैको. हर अस्पताल में मेरे ख्याल से, चाहे वो कैंसर अस्पताल हो, चाहे वो जनरल अस्पताल हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी का अस्पताल हो, चाहे वो पेट की बीमारी का अस्पताल हो, इन जगहों पर एक टोबैको सीजेशन सेंटर ये खुलना चाहिए ताकि, और उसमें इंसान बैठना भी चाहिए और उसको नॉलेज भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सेंटर का साइनबोर्ड लगा दिया और बस उसमें कुछ और ही काम हो रहा है. मैन पावर इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पे खेला है कि ट्रेंड मैन पावर ये हर अस्पताल में देना ये बहुत मुश्किल काम है. इसके ऊपर काम करना चाहिए. तो जहां पे भी ये सेंटर्स हो वहां पे जैसे पेशेंट आएगा, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो जिसमें टोबैको के यूजेज हो, या कोई हार्ट का पेशेंट हो जिसमें टोबैको का यूजेज देखा जा रहा हो, इनको इन सेंटर्स में भेज दिया जाए, और कुछ नहीं तो भेज दिया जाए, सो दैट दीज पेशेंट्स दे कैन गेट एन आइडिया कि मैं तंबाकू को कैसे रोकूं. सिर्फ पेशेंट नहीं, तो पेशेंट के साथ में आने वाले जो लोग होते हैं, कई टाइम पे उनके साथ में माँ, भाई, बहन, ये लोग आते हैं, और उनके दूसरे जो रिलेटिव्स है ये लोग भी आते हैं. उसमें से कई लोग हैं जो टोबैको के यूजर्स होते हैं, दे ऑल्सो नो कि भाई तंबाकू लेने से खतरा है, बीमारी का खतरा तो है, बट कैसे छोड़े ये पता नहीं. तो इन टोबैको सीजेशन सेंटर्स में दे कैन गेट एन आइडिया, गेट ट्रेनिंग, जरूरत पड़ने पे दवाई, जैसे कि हमारे एंटी टोबैको टैबलेट्स मिलते हैं, बुप्रेनॉर्फिन, बुप्रोपियन नाम के टैबलेट्स हैं, दे आर एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट्स, ये आसानी से मिल जाते हैं. ये लेने से टोबैको लेने की या स्मोक करने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है. कई टाइम पे निकोटीन पैचेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो तलब है सिगरेट या टोबैको लेने की जो तलब है वो कम हो जाए. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच प्रैक्टिकली विल हेल्प टू क्विट टोबैको.
कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो गुप्ता गोयल, इन्होंने एक पेपर में 2022 में एक उनका एक पेपर आया था, उसमें उन्होंने डिस्कस किया था, और बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल। जैसे आजकल होता है कि स्मार्ट कार्ड में पैसा डाल दो, पेट्रोल पंप में जाओ, स्मार्ट कार्ड में जितना पैसा है उसका इस्तेमाल करके आप पेट्रोल खरीद सकते हो। ठीक उसी तरीके से एक स्मार्ट कार्ड होगा, जो भी सिगरेट तंबाकू वगैरह लेना चाहता है उसको पहले एक स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा प्रीपेड कार्ड की तरह। उसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसा भर ही नहीं सकते हो, एक साल में आप से 5,000 रुपये का पैसा भर सकते हो। और इसको लेकर के वो जब जाएगा तभी और सिर्फ तभी उसको टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो लिमिटेड पैसा है, आप चाहिए तो एक बार में खर्च करो, आप उसको साल भर चलाओ तो उतने में ही आपको सीमित रहना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली टोबैको का यूज जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा है कि जैसे कि क्या बेनिफिट्स है ये टोबैको छोड़ने के, ये बताया जाए। जैसे कि समझो टोबैको छोड़ेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, टोबैको छोड़ेंगे तो आपको पेंशन में 5,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर ऐसा कुछ लिंक कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा सा इंसेंटिव होगा टोबैको छोड़ने के लिए। ये क्विटिंग टोबैको के लिए ये गवर्नमेंट का एक खास इंसेंटिव हो सकता है कि भाई जो अगर स्मोक कर रहा होगा और वो स्मोक इतने दिनों के अंदर में, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक मियाद के अंदर में अगर वो छोड़ देगा, उसको एक स्पेशल प्रमोशन मिलेगा, या एक कहीं घूमने जाने के लिए एक टूर का पैसा मिलेगा। दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया टू यू नो टू हेल्प पीपल क्विट क्विट स्मोकिंग। जैसे कि मेरे पिछले स्पीकर ने बताया कि एक रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल होगा ऑलरेडी कॉटपा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स प्रिवेंशन एक्ट 2003 का, 2023 का जो एक्ट है, 2003 का जो एक्ट है, उसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल है। जैसे कि आप सिगरेट लूज सेल नहीं कर सकते, आप अब सिगरेट को अगर एक सिगरेट है, दो सिगरेट नहीं ले सकते, आपको लेना है तो आपको पूरा एक सिगरेट पैकेट लेना पड़ेगा। तो बट आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो हर गली कूचे में जो सिगरेट सेल का जो दुकान है वो वेरी इजीली सिंगल सिगरेट, दो सिगरेट ये दे रहा है। तो ये एक्ट जो है, इसको एक्ट से बात नहीं बनती, एक्ट तो पेपर में है, उसको एक्चुअली लागू करना, यानी वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो वहां पे जाके कभी कभी चाहिए तो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गुप्त एज अ खरीदार कस्टमर जाके उसको पूछेगा कि भाई दो सिगरेट दो, और अगर वो दे देता है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि भाई आपको पता है कि एक्ट है, आपको पता है कि लूज सिगरेट सेल अलाउड नहीं है, यू हैव स्टिल डन दिस, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। एक बार पनिशमेंट वार्निंग, सेकेंड बार पनिशमेंट फाइन, तीस बार पनिशमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दो, ऐसे कुछ एक डिग्री ऑफ अगर पनिशमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली सेल का जो है वो रेस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन शुरू होने से ऑटोमेटिकली ये सिगरेट छोड़ने का जो प्रक्रिया है ये काफी हद तक असरदार हो जाएगा। लास्ट है कि रिमाइंडर्स, आपने सिगरेट खरीदा, आपने तंबाकू का प्रोडक्ट खरीदा, आपको एक फोन नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग आजकल हर जगह पे होते हैं कि जूता खरीदने जाओ तो फोन नंबर मांगते हैं, आप कपड़े खरीदने जाओ फोन नंबर मांगते हैं, वहां से क्या होता है कि वो SMS भेज देगा, अगला वाला जो आपका सेल है उसमें आपको ये % छूट दिया जाएगा आपने। तो ठीक वैसे ही हर टोबैको सेल प्रोडक्ट जो एरिया जहाँ पे सेल टोबैको प्रोडक्ट सेल होता है वहां पे आपको फोन नंबर देना पड़ेगा कंपल्सरीली। और अब इस फोन नंबर पे गवर्नमेंट से या कोई सोशल वर्कर, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैसेज भेजेगा विद द स्पेसिफिक कि आपने यहाँ पे अपने इतने चीजें ये जो खरीदे हैं, आप प्लीज आने वाले दिनों में आपको ये खतरा है, आप प्लीज सिगरेट छोड़ दीजिए। इसके लिए चाहिए तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो AI जो है, ChatGPT के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं, तो इसका काफी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफी असरदार हो सकता है। तो कुछ सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमको टोबैको छोड़ने में मदद करेगा, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं होता है सबको अमल में लाने के लिए। और इसी के साथ में मैं आज का जो है ये मेरा सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ग्रेट वर्क, थैंक यू।